हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं विकास गल्याण आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। आज हम आपके लिए स्पेशल इंसेक्टिसाइड से जुड़ी हुई जानकारी लेकर आए हैं। तो सब जानकारी को शुरू करने से पहले आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने सब्सक्राइब ना किया, क्योंकि सब्सक्राइब करने के बाद में आपको हमारे यूट्यूब चैनल से और इस प्रकार की दवाइयों से जुड़ी हुई जानकारी आपको मिलती रहेंगी। तो शुरू करते हैं। देखिए, पहले हम बताते हैं कि मोर्टार में कौन सा साल्ट होता है। देखिए, मोर्टार में 75% कारटेप होती है। कारटेप हाइड्रोक्लोराइड होती है, जिसकी मात्रा 75% होती है। अब हम बात करें तो कितने ग्राम का पैक होता है। देखिए, 250 ग्राम का पैक होता है और ये धानुका कंपनी के द्वारा बनाया जाता है। पर हम बात करें इसके प्राइस की, तो इस पर 966 रुपये प्राइज होता है, लेकिन ये आपको 800 से लेकर 850 रुपये के बीच में आपको मिल जाती है। देखिए, अब हम बात करते हैं कौन कौन सी फसल के अंदर यूज़ कर सकते हो। आप इसे धान में यूज कर सकते हो, गन्ने में यूज कर सकते हो, और भी काफ़ी फसल है उसके अंदर आप यूज़ कर सकते हो। देखिए, ये तना छेदक में भी काम करता है, पत्ता लपेटक के अंदर भी काम करता है। अब हम बात करें तो इसको और पत्ता मरुड़ बोलते हैं, उसके अंदर भी ये काम करता है। अब हम बात करते हैं कितने ग्राम में और कितने पानी की मात्रा है एकड़ में हमें रखनी है। देखिए, आप इसको 200 ग्राम एक एकड़ में यूज़ कर सकते हो और 200 ग्राम पर लीटर के हिसाब से आप पानी की मात्रा रख सकते हो। लेकिन पानी की मात्रा इसलिए ज़्यादा रखनी पड़ती है क्योंकि एक बहुत ही हैवी इंसेक्टिसाइड है। और हम बात करें तो कब यूज़ करनी है। देखिए, आप इसको जब धान के अंदर बैल आ जाती है तो उससे पहले यूज़ करना चाहिए, क्योंकि बैल के अंदर इसको बैल आने के बाद में इसको यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि उस समय आपके दाने को ये काला कर देती है, तो उस समय इसको यूज ना करें। अब हम बात करते हैं इसके अंदर आप क्या क्या डला सकते हो। देखिए, आप इसके अंदर कोई भी NPK वगैरह यूज नहीं कर सकते। इंसेक्टिसाइड इसके अंदर आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन NPK भी आप अगर बैल नहीं आई है तो उस समय आप यूज़ कर सकते हो, वरना बैल आने के पश्चात में तो आप इसको कारटेप का यूज़ करना ही नहीं है और ना ही कोई NPK मिलाना है। और हम बात करें इसकी धानुका के इसकी, तो ये तीनों चीज़ों पर एक ही दवाई, जैसे पत्ता लपेटक होगी, तना छेदक होगी, पत्ता छेदक होगी, तो इन सभी के ऊपर ये एक ही दवाई काम कर देती है। और ये आपके जो दो तना छेदक वाला किट होते हैं उनको भी मार देती है, और पत्ता मरोड़क वाली किटों को भी ख़त्म कर देती है, उनके अंडों को भी मार देती है। एक कॉन्टैक्ट और सिस्टमेटिक इंसेक्टिसाइड है। देखिए, ये उन अंडों को ख़त्म कर देती है, जिसके कारण आपकी फसल सुरक्षित शुरू हो जाती है। और ये आपके जो धान के किले हैं उनको भी पूरी तरह से सेव कर देती है, जिसके कारण आपकी पैदावार और ग्रोथ अच्छी निकलती है। और अब हम बात करें तो इसकी, तो तना छेदक के जो पहचान है उसके बारे में भी हम आपको कुछ इमेज देंगे, और पत्ता लपेटक की भी हम कुछ इमेज देंगे, जिससे आपको अनुमान हो सकता है कि आपके खेत के अंदर ये बीमारी आ गई है। तो इसी प्रकार की जानकारी से जानने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।